केलगर प्रखंड में जो जन वितरण प्रणाली को लेकर दो दिन पहले एक खबर चलाई गई थी, जिसमें से कि आरोप लगाया गया था कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा भारी मात्रा में एक भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके द्वारा जो स्थिति बनाई गई थी कि जिसका 7 यूनिट का था उसके साथ भी लोग जो है 44 किलो यूनिट के हिसाब से इसको सामान दे दिया जा रहा था, जिसका खबर हम लोग चलाए थे, आप लोगों ने देखा था। लेकिन आज उसी खबर का असर हुआ है, केलगर प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जिन लोगों ने अपना बयान दर्ज कराया था इस मामले को लेकर, वो सारे लोग अपना अपना बयान अभी दर्ज करवा रहे हैं, जिसमें से कि अब ये देखने की बारी होगी कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस जन वितरण प्रणाली पे की दुकानदार पे क्या कार्रवाई होती है, ये तो अब देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल खबर का असर हुआ है और खबर चलते ही हम लोग खबर जो आपको दिखाए उसका असर हुआ है और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के नगर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। अब इसका क्या असर होता है वो हम लोग आपको बाद में दिखाएंगे। आज हम लोग बात भी करेंगे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से कि इस जांच में क्या निकला है, और जो लोगों ने जो बयान दिया था उनसे भी बात करेंगे कि वो आज प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने बयान में क्या दर्ज कराए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो क्या क्या यही थोड़ा कम दे रहा था, तो इसलिए जो है हल्ला गुल्ला जी है? जी यही लोग हल्ला गुल्ला दिया गया। कितना कम दिया? 8 किलो मेरे अंदाज से जो है कि कम दिया था। आपके अंदाज जी तौले थे तो उसका बाद जो है बोले तो फिर दे दिया। फिर दे दिया? हाँ जी, बाद में दिया। हाँ बाद में फिर दे दिया हम लोग के निकलने के बाद। जी जी, आप लोग के निकलने के बाद फिर दे दिया। हर बार काटा जाता है? हाँ पहले काट रहा था। हर बार काटता था ना? हाँ हर बार दे देता था कि? नहीं नहीं हर बार नहीं देता था। हर बार दे दिया जी, कर लिया काटता है जी। कितना काटता है बोला? 8 किलो। 8 बार उतना तो हम लोग नहीं जाते थे, बच्चों को भेज देते थे, कभी कभी परिवार चले जाता था तो जो होता था। हम जब गए तो हमको एरिया लगा जोड़े तो इतना काटा तो बोले तो वहाँ थोड़ा विवाद बढ़ गया, तो विवाद बढ़ने के बाद सब समझाने बुझाने लगा तो सब सोल हो गया वहाँ पे। तो पर यूनिट कितना कट रहा था? 2 किलो? 2 किलो ने 1 किलो आधा किलो यही करके 2 किलो ने बोले थे? हाँ उस दिन बोले थे, उस दिन वही जोड़े ना तो 2 किलो बुझाया हमको। 2 किलो? हाँ तो उसके बाद पहले से जो है तो वही चीज है ना जो बयान दिए थे उस पे आप अधिक है जी। आप क्या किया जाए, मिला क्या जाए, मतलब मीडिया में हम लोग तो ऐसे नहीं चलाए थे। नहीं मीडिया तो चलाए सही में, लेकिन हम बोले थे कि ऐसा ऐसा काट रहा है। आपके बयान आप ही ने दिए थे बयान कि दूसरा दिया था? समाज में सर रहना है, मिला जुला के रहना था तो मीडिया की गलती नहीं है? नहीं नहीं मीडिया गलती कैसे? नहीं जब मन बोलने का सर सामने में बोल रहे हैं, पीछे में थोड़ा बोल रहे हैं। उस दिन कुछ और बोल रहे थे? हाँ उस दिन तो बोल रहे हैं कि काटा है। दबाव है क्या? कोई दवा भी है? नहीं नहीं किसी कोई दवा नहीं, साम समाज में सर रहना है, दबाव के कुछ दबाव के इसमें कोई जी नहीं है जी। अब्दुल रज्जाक घर हरधनारापुर वार्ड नंबर 2। तो आरोप लगाया गया था कि आप जो है धांधली करते हैं, कब राशन देते हैं, गाली गलौज भी करने का मामला था। तो आज वो साहब जो है यहाँ पे आए हैं, तो क्या आपको क्या हिदायत दिए, क्या कार्रवाई होगी? देखिए सारा पब्लिक है, हम यह सामान जो है जन वितरण का दुकान पब्लिक का है। पब्लिक अगर चाहता है तो हम दुकान करेंगे, पब्लिक ने चाहता है तो हम नहीं कर पाएंगे। उम्र हमारा बहुत हो गया समझे, हमको माफ भी कर दे या माफ नहीं करेगा तो सजा जो देना है सारा पब्लिक है, जनता के दरबार में है, जो सजा दे हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे गलती हुई है तो सजा दे हमको पब्लिक, तो उस गलती की सुधार करेंगे आप? गलती का सुधार हम बराबर प्रयास करते हैं, यहाँ से लेकर के गोदाम तक हम फोन करते रहते हैं, मेरा माल दब आएगा गाड़ी पर घुमा। अब बीच लाठ में जाकर के 1-2-8 बोरा भेज दिया तो उसको आप हम क्या करेंगे? पब्लिक को तो हम नहीं देते हैं, जितना भी पब्लिक को सामान दिए हैं। राशन कब देने का मामला था? राशन हम कम नहीं देते हैं। अभी तो है, उजागर हुआ, फिर उजागर हो रहा है तो अरे सारी बात आप जानते हैं, हम जी जानते हैं, लेकिन सब जियो, तुम भी जियो, हमको भी जीने दो।
समझे, और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। जियो से ज़्यादा हो गया है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव है तो हमारा दुकानें बंद कर दीजिए। क्या नाम है आपका? रघुवीर मेहता। कौन कहाँ के डीलर हैं आप? हम गोखलपुर पंचायत के, वार्ड नंबर 1। आपका लाइसेंस नंबर कितना है? लाइसेंस नंबर 16-25-2016। डीलर का जल वितरण प्रणाली में धांधली का मामला था, बनवाड़ी का गाड़ी। हम कल आए थे, क्या इसका वीडियो आया था, तो वीडियो करके हम जांच कर रहे थे, आप पब्लिक लोग से भी बयान ले रहे हैं, तो लेकिन वीडियो में जो आप लोग दिखाए हैं उसके मुताबिक ये लोग नहीं बता रहे हैं, बता रहे नहीं ठीक है, मैंने पंचायत के स्तर से जो पूछिएगा तो हमारा बहुत अच्छा डीलर है। अब तो जो एक द्वारा बताया गया है कि हमको कम दिया गया है, जिसको हम अभी तुरंत पूर्ति करवा देते हैं, उसके अनुसार जितना कार्ड है उतना राशन दिलवा दे रहे हैं तुरंत, बाकी सभी लोग के द्वारा बताया जा रहा है ठीक दिया जा रहा है। डीलर के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है? अब तो जो बयान है उसके आधार पर हम SDO साहब को इसका देंगे रिपोर्ट, अब साहब जानेंगे। क्या परिचय? मेरा प्रभात कुमार, प्रखंड आपूर्ति नगर के नगर पूर्णिया।